अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस वॉच करते रहोगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मर्दाना ताकत यानी जिस्मानी स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक नहायत ही आसान और रेडीमेड चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। ये खाने की चीज़ है, ये आप डेली अपने खाने में यानी इसको इस्तेमाल करो। इसके इस्तेमाल से आप लोगों को कभी भी जिस्मानी ताकत की मतलब है आपको सामना नहीं पड़ेगा। आपकी जिस्मानी ताकत यानी जिंसी ताकत नहायत ही ज़बरदस्त होगी और आपका रिजल्ट अच्छा होगा, हम बिस्तरी में आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ ये तो आप लोग आम इसको आप बाज़ार में आपने देखा होगा। ये खालिस चीज़ है, ये आपको बाज़ार से इजी मिल जाएगा। 10 रुपए का ये एक मिलता है एक पीस। ये क्या चीज़ है, ये तिलो, ये तिल है, तिल तिलो और गुड़ से बनी हुई खालिस ये टिकिया है। ये जो चीज़ है, तिलों के बारे में तो आपको पता होगा कि ये नहायत ही ज़बरदस्त और ताकतवर चीज़ है, मतलब है जिन्सी ताकत के लिए और स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है तिल। और गुड़ के बारे में तो आपको पता ही है कि गुड़ नहायत ही मुफीद चीज़ है। तो ये इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना एक खालिस चीज़ है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ तिल और गुड़ से मिलकर बना है। ये आपको बाज़ार में रेड़ी वालों से या दुकानदारों से 10 या 20 रुपए का आसानी से मिल जाएगा। ये अगर आप रोज़ाना तकरीबन आधा भी खाओगे आधा, तो आपको कभी भी जिन्सी ताकत की शिकायत महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक आसान सा खुराक बता दिया जो आपको हर जगह इजी अवेलेबल है और आपको इजी मिल जाएगा। इससे आपकी जिंसी ताकत और मर्दाना कुव्वत काफ़ी ज़्यादा होगी, हम बिस्तरी में आपको लुत्फ़ महसूस होगा और इसमें यानी नफस की जो ढीलापन है वो भी इस चीज़ से ख़त्म होता है। और जो कतरे आते हैं ये भी इंशाल्लाह इस चीज़ से ख़त्म होते हैं। रेगुलर आप इसको अपने खाने में यूज़ करो तो आप इसका फ़ायदा इंशाल्लाह देख लोगे। 1-2 दिन के इस्तेमाल से कभी भी फ़ायदा आपको नज़र नहीं आएगा इतनी जल्दी, लेकिन आप अगर इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआ दोगे। ये एक ज़बरदस्त जिंसी ताकत के लिए एक खुराक मैंने आपको बता दिया जो इजी अवेलेबल है और हर कोई इसको खरीद सकता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स पाक को रेगुलर सब्सक्राइब करो, शेयर करो फेसबुक पे, ताकि हम इस तरह मुफीद खुराक आप लोगों की खिदमत में लाएं और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये तो था आज का नुस्खा यानी आज की एक रेडीमेड खुराक मैंने आपको बता दी। तो अगले नुस्खे तक मुझे इजाज़त दे दे। वस्सलाम।